हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश का चैप्टर द फन दे हैड, जो कि लिखा है इसाक एसिमो ने, इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें है टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज। Superior eyes means with more confidence। Tommy जो है वो मार्गी की तरफ देखता है। Because it's not our kind of school, stupid। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। Means centuries ago means सदियों पहले। ये ओल्ड स्कूल के बारे में बात कर रहा है टॉमी, क्योंकि टॉमी जो है वो ज़्यादा नॉलेज रखता है ओल्ड स्कूल्स के बारे में एज़ कंपेयर टू मार्गी। ठीक है, तभी ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। ठीक है, मार्गी वाज हर्ट, उसे दुख पहुंचता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. तो मार्गी टॉमी कहता है कि टीचर होता है उनके पास, मतलब टीचर उन दिनों टीचर होता था, टीचर मगर एक रेगुलर टीचर की तरह नहीं, जैसे कंप्यूटर में मतलब स्क्रीन पे टीचर आता है उसकी तरह नहीं, बल्कि वो एक आदमी होता था उन दिनों, वो टीचर एक आदमी होता था। ए मैन, ही हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। मार्गी हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि किस तरह से एक आदमी जो है वो एक टीचर हो सकता है, उस्ताद हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड Asked them questions। तो अच्छा, ये जो टीचर क्या करता था, बच्चों को बताता था कुछ, किस तरह मतलब चीज़ें कुछ बताता था। ठीक है, पढ़ाता था, है ना। And gave them homework, और उन्हें homework भी देता था। And asked them questions, और बाद में उन्हें क्या questions भी, सवालात भी पूछा करता था। A man isn't smart enough। Sure he is, my father knows as much as my teacher, he knows almost as much, I betcha। Betcha means bet, कि वो भी मतलब मेरे बाप की तरह, वो भी मतलब जितना मेरा बाप जानता है उतना वो भी जानता होगा। ठीक है, वो means teacher। Margie wasn't prepared to dispute that, इसके बारे में और discussion जो है वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तैयार नहीं थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। कि मैं नहीं चाहूँगी, मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। ठीक है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, चलाया खुशी के हंसी में चलाया वो। यू डोंट नो मच मार्गी, आप ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, उस्ताद घर में नहीं रहा करते थे, घर में मीन्स घर में आके नहीं पढ़ाया करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उन्हें एक स्पेशल बिल्डिंग यानी कि स्कूल उनके पास उनको होता था, अवेलेबल होता था, और तमाम किड्स यानी कि स्टूडेंट्स जो है वहाँ जाया करते थे और वहाँ पे पढ़ा करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, क्या तमाम बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे, सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, पक्का अगर मतलब वो एक ही सेम एज के होते तो वो उनको सेम ही नॉलेज प्रोवाइड करते वो टीचर। बट माय मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि टीचर को, उस्ताद को एडजस्ट करना चाहिए बच्चे के हिसाब से, कि बच्चे का माइंड जो है किस लेवल का है उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए टीचर को। दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, कि हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से
पढ़ाया जाता, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर आप ये पसंद नहीं करती तो आप ये बुक जो है वो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आप ये बुक जो है वो जरूरत नहीं है आपको ये बुक पढ़ने की. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती थी उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना, पढ़ना, नॉलेज हासिल करना कि जो सदियों पहले जो है किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, अभी उन्होंने आधा भी डिस्कशन जो है वो ख़त्म नहीं किया था. तो Margie की माँ जो है वो बुलाती है, Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. वो देखती है इधर उधर तो कहती है अभी नहीं मामा. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. अब टॉमी के लिए भी लगभग टाइम हो गया था, टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया था. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो Margie जो है टॉमी से कहती है, क्या मैं ये बुक जो है कुछ और पढ़ सकती हूँ जब स्कूल हमारा स्कूल टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, क्या मैं ये बुक आपके साथ पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. मीन्स ऐसे मतलब उसने कामली रिलैक्स्ड वे में उसने कहा मे बी, हो सकता. ही वॉकड अवे विसलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. उसने वो जो डस्टी ओल्ड बुक थी वो अपने आर्म के नीचे रखी और विसलिंग सीटियां मारते हुए चला गया. Margie वेंट इन टू द स्कूल रूम, अपने स्कूल रूम में चली गई, स्टडी रूम में. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके जो सोने वाला कमरा था उसके बिल्कुल राइट में, बिल्कुल साथ में ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, वो जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल रेडी था, Margie का इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, हमेशा इसी टाइम ऑन होता था, ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे के अलावा. Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि जो लड़कियाँ जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाती हैं, सीखती हैं जब उन्हें regular hours में क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए. The screen was lit up. Screen on हो गई and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. अब proper fractions पे ये था क्या लेसन था. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तो अब वो कंप्यूटर कहता है कि मेहरबानी करके जो कल का जो होमवर्क था वो प्रॉपर जगह पे स्लॉट पे इंसर्ट कर दीजिए. Margie डिड सो विद ए साई. साई मींस काफ़ी लंबी आह में उसने ऐसा ही किया, मीन्स होमवर्क अपना सबमिट किया, इंसर्ट किया प्रॉपर स्लॉट पे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. वो सोच रही थी पुराने स्कूल्स के बारे में जब उसका दादे का दादा जो है वो छोटा बच्चा हुआ करता था और पढ़ा करता था उन स्कूल्स में. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. तो वो सोचते रहे किस तरह से ऑल द किड्स, तमाम बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड, नेबरहुड से इर्द गिर्द से आते थे और हंसते और चलाते स्कूल में जाते थे, स्कूल के बाहर, ठीक है, फिर बैठते थे स्कूल रूम में, फिर गोइंग होम टुगेदर और फिर साथ में ही इकट्ठे ही घर वापस जाते थे जब दिन ख़त्म होता था. दे लर्न द सेम थिंग्स, और क्या करते थे, एक ही चीज़ वो सीखा करते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, और क्या करते थे वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते थे होमवर्क में और एक दूसरे से इस चीज़ के बारे में, इस होमवर्क के बारे में डिस्कस कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो टीचर्स क्या थे, लोग हुआ करते थे, यानी कि वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं हुआ करते थे, वो एक वो आदमी हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस
ठीक है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि किस तरह से वो जो पुराने जो वो बच्चे हुआ करते थे उन दिनों स्कूल जाया करते थे, किस तरह से वो स्कूल्स को क्या करते थे, प्यार करते थे, किस तरह से वो सीखते थे चीज़ें। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि किस तरह से वो इन्जॉय करते थे, उस चीज़ के बारे में मार्गी जो है वो सोच रही थी। तो ये थी ये स्टोरी, ठीक है। आई होप इस स्टोरी की आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी, ठीक है।